मौत के कुएं में से निकल के हम लोग यहाँ आ गए हैं भारत में, अपने हिंदू सनाती में आ गए हैं। अगर हम बोलते हैं भाई वहाँ रहने के लिए हम जा रहे हैं तो वही रोक देते हैं हमारे को, अलाउ नहीं है जो इंडिया में आ जाए। बोलते थे मुसलमान के लड़के भाई आपका नाम चेंज कर लो, हिंदू की कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ पे, मेन बात तो यही है। जासूसी नहीं है, जहाँ आतंकवादी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत भाई, अरे भाई पाकिस्तान से है वो, अपना हिंदू ही है, मैंने भारत का ठप्पा लगवाया हुआ, वहीं रहते ही हुए ही। भाई ये तो हिंदू है, हमको नहीं जानते थे वो भाई हिंदू काफर है। हम पाकिस्तान से है, 9 परिवार आए हैं, हमारे को सरकार ने कोई सहूलत नहीं दिया है, कोई हमारे को मदद नहीं किया है। हमारा भारत है, जय माता की जय। पुलिस वाले आ जाते हैं, चलो इधर नहीं लगाओ, आगे जाओ। राम राम साहब, मैं हूँ धर्मित्र मुकेश, ओथे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। तो अभी अपा हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन के और सुरेशिया मोहल्ले का वार्ड नंबर 57 मा, तो अठे एक परिवार है जो को पाकिस्तान से आयो है। तो आ से बातचीत करके देखांगा कि के अंग है हिंदुस्तान के, मैंने के समस्या आने लाग रही है और के कारण से है जो को पाकिस्तान छोड़ के अठे हिंदुस्तान आया है। हमने तो ये नहीं सोचा था भाई, पहले भारत में रहने देते थे, पहले तो नहीं रहने देते थे, अभी तो बोर काफी आने लगे। हमारे रिश्तेदारी वहाँ भी अभी दिल्ली में है, वहाँ से आ रहे थे, धीरे धीरे निकल गए। फिर मेरे पापा ने सोच लिया भाई आप लोगों की तरक्की बन जाएगी, आपके बच्चे होंगे जो पीढ़ी हो जाएगी धीरे धीरे, उसकी तकदीर बन जाएगी आप लोगों की बच्चों, आप लोग हम लोग भारत में चले जाएंगे, भारत की सरकार है जो वो कुछ मदद कर देगी हम लोगों की, कुछ रहने की जगह कुछ बंदोबस्त वो कर देगी। हमने बोला पापा जी पहले अपने सोच समझ के जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। फिर हमारे पापा से मेरी मुंह मारी होगी, फिर मेरे पापा की हमारी हम यहाँ आगे रहना चाह गए। फिर मेरे पापा को अभी बता रहा हूँ, पापा जी देखो जो भी न्यूज वाले आते हैं हम सरकार से यही कहना चाहते हैं भाई रोटी कपड़ा मकान हमारे को दिया जाए। कल भी पुलिस वाले आए थे हमारी कुछ बहुत मदद करके गए हैं, डेस भी आया था हमारी मदद करके गए, यहाँ भी आए थे, सबको जी बड़े आए थे, आपको मालूम है क्या वो कलेक्टर साहब थे? जी बड़े थे वो, आए थे मेरे पापा को देख के गए, मैं तो थोड़ा बाहर गया हुआ था। अब दिल्ली में हम लोग रेडी लगा के खड़े हो जाए, पुलिस वाले आके रोड पे ही खड़े नहीं होने देते भाई, आपकी रेडी हटाओ, आपकी रेडी हटा के नीचे खड़ी कर दो। फिर भी हम लोग क्या करते थे वहाँ पे भी बुजगर बैठे रहते थे, यूं मच्छर मारते रहते थे। तो कितने दिन का वीजा लेकर आए थे आप? 25 दिन का। कौन से बॉर्डर से आए थे आप? वाघा बॉर्डर से। वाघा बॉर्डर से 25 दिन का वीजा लेके आए, तो आपने बॉर्डर पे क्या बताया था, क्या बोल के आप आए थे? हम तो बॉर्डर पे अभी तो फौजी ने तो कुछ भी नहीं बोला था, उसने बोला आप तीर्थ पे जा रहे हैं, हम लोग वहाँ की जो है वहाँ की पुलिस है फौजी है। हम लोग बोले तीर्थ पे, वो तो पासपोर्ट में देख के है ना, वो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर बोलते हैं आप लोग जाओ। 25 दिन का हमारा वीजा मिलता है हरिद्वार का, अगर हम बोलते हैं भाई वहाँ रहने के लिए हम जा रहे हैं तो वही रोक देते हैं हमारे को, बॉर्डर ही बंद कर देते हैं, मतलब जाने नहीं देते, जाने नहीं देते हैं। हिंदू का अलाउ नहीं है जो इंडिया में आ जाए, अलाउ नहीं है, यही तो है हरिद्वार का तीर्थ बोल के। अभी तो हम लोग जितने दिन भी आए थे हम लोग कहीं नहीं गए हैं, हम लोग सरकार के अंडर में ही है, इसके सरकार के अंडर में, पुलिस वालों के अंडर में हम लोग हैं भाई, कहीं भी जाते हैं हम सरकार को पहले नॉलेज करके फिर कहीं जाएंगे। मतलब जैसे आपने 25 दिन का वीजा लिया था तो फिर आपने वीजा बढ़ाया कैसे आपने? वीजा तो दिल्ली में बढ़वा लिया, हमने बोला भाई हम रहना चाहते हैं यहाँ पे, उन लोगों ने बोला भाई जैसे आपकी इच्छा होगी चलो रह लो कोई बात नहीं है। एक थोड़ी परिवार आया हुआ है, कम से कम हमारे 10 परिवार, 10 10 वहाँ से जो पाकिस्तान से आए हुए हैं 10 परिवार दिल्ली में रह रहे हैं अभी तक वहाँ। तो अभी तो धीरे धीरे आप लोगों को पता भी है सर जी, वहाँ पे दिल्ली का एरिया है वो कभी भी बंद हो सकता है, हालात बिगड़ जाते हैं, ये हो जाता है वहाँ भी। अभी मेरा पाकिस्तान में शंकर नाम से पुकारते थे, बोलते थे मुसलमान के लड़के भाई आपका नाम चेंज कर लो, सही नहीं है आपका नाम, आपको दिक्कत आ जाएगी। मैंने बोला भाई देखो दिक्कत तो आती रहती है, नाम जो रख जाता है वो रख दिया जाता है, नाम तो चेंज नहीं करना पड़ता है। फिर भी हम लोग ऐसे मुल्क में रह के जिंदगी गुजार के आए हैं, मौत के कुएं में से निकल के हम लोग यहाँ आ गए हैं भारत में, अपने हिंदू सनाती में आ गए हैं। हम लोग सरकार से यही दरखास्त करते हैं भाई हमारे को रोटी कपड़ा मकान दिया जाए यहाँ पे, हम वापसी नहीं जाना चाहते हैं। हमारी वापसी क्यों नहीं जाना चाहते? वापसी वहाँ का माहौल अभी हालात बिगड़ गए हैं, हिंदू पे कोई कैसे कर रहे हैं, हिंदू का अलाउ नहीं है वहाँ पे, हाँ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू का अलाउ नहीं है वहाँ पे, कैसे हम लोग भाई बंदी में बैठ जाते हैं, होटल में बैठ जाते हैं, पानी पी लेते हैं, हिंदू का अलाउ नहीं है वहाँ के रहने का।
भाई अपने होटलों में भी अलाउ नहीं करते, अलाउ नहीं करते हैं होटलों में। अभी जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली शहर में कहाँ कहाँ बैठने देते हैं, नहीं तो छोटे मोटे शहरों में नहीं बैठने देते हैं सर जी। यही गुवाहिश है हमारी। अभी तो यहाँ पे हम लोग हनुमानगढ़ होटल पे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं। हिंदू की कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ पे, मेन बात तो यही है भाई। आप बुक से पानी पियो, आप आपसे मतलब ये बुक से भाई आपकी जाति क्या है, मतलब आज भी पाकिस्तान में छुआछूत जैसा है, अभी भी तक है वहाँ पे सर जी, अभी भी तक है। अभी भी हालात बहुत दिनों के दिन बिगड़ते जा रहे हैं वहाँ पे, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी तो हम यही है, अभी हम सोच समझ के हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम लोग धरका यही कर रहे हैं। कल पुलिस वाले दो, परसों पुलिस वाले आ गए दो मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, कलेक्टर पे, वो तो बाद में आया था। वो पहले बाइक वाले के भाई आप कहाँ से आए हो, सर जी हम पाकिस्तान से आए हैं, आपका वीजा कहाँ है, आपका पासपोर्ट कहाँ है, सर जी सब कुछ हमारा बना हुआ है, सब कुछ सबूत है हमारे पास। ऐसे हम लोग ऐसे जासूसी नहीं है, जहाँ आतंकवादी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, हम लोग हमारे सब सब सबूत लाए हैं, हमारे साथ ही है। सही है सर जी, हम कहीं भी जाएंगे थानेदार को इतला करेंगे, सर जी हम वहाँ जाना चाहते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। कहीं चले जाते हैं भाई, कोई पूछ लेगा आप कहाँ से आए हो, सर जी हम पाकिस्तान से आए, फिर तो बोलते हैं आपका आधार कार्ड कहाँ है, सर जी नहीं है, चलो थाने में चलो आपकी सबूत क्या है, फिर वो सबूत लेके जाते हैं, फिर आगे हमारी सुन कार्रवाई होती है। हाँ। यहाँ पे तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत भाई अरे भाई पाकिस्तान से है वो, अपना हिंदू ही है। हाँ। कौन सा मुसलमान है। हाँ। फिर भी हमारे को यहाँ पे मैंने भारत का ठप्पा लगवाया हुआ, वहीं रहते हुए ही मैंने दुश्मनों के मोहल्ले में ही रहते हुए भारत का ठप्पा लगवा लिया, दूंगा हमने धर्म नहीं छोड़ा वहाँ पे सर जी, फिर भी हम लोग यहाँ आ गए। मतलब आपने ये भारत नाम कहाँ पे लिखवाया, ये वहीं पे लिखवा लिया था मैंने, अपनी खुशी से लिखवा है, खुशी से लिखवा लिया हमने। बोला जैसे मतलब आपने ये टैटू पाकिस्तान में कराया, तो जिस बंदे ने टैटू किया था उसने कुछ बोला नहीं, नहीं वो भी अपना हिंदू था, वही अपना हिंदू बोलने लगा आप यहाँ लिखवा रहे हो हिंदू क्यों। मैंने बोला भाई अपने हिंदू हैं आप लिखवा दो, मेरे को बहुत खुशी है यहाँ पे लिखवा लेंगे। वो तो अभी तो वहाँ के लड़के जो रहते थे हमारे को हाथ पे नहीं देखते थे, जिस्म को तो नहीं देखते हैं, आम सामने से बात कर लेते हैं। अगर लुंडे बाजू में होते बनेन में वो तो देखते तो फिर हाथ भी काट देते हैं। मतलब अगर उनको ये पता चल जाए कि आपने भारत नाम हाथ पे लिखा रखा है तो क्या करेंगे, वो तो फिर इज्जत ही नहीं हमारी करेंगे, धक्के मार के फिर निकाल देंगे। हाँ काट देते हैं वहीं पे, ओ बे भाई भाई तू पाकिस्तान में रहते हुए ये भारत का ठप्पा लगवा के घूम रहा है, क्या मसला है तेरा। कैसे हमारे को भारत बहुत अच्छा लगता है सर जी, मेन बात यही है। वहाँ के जो मुसलमान है हमारे तरबूज भी खा लेते थे, फिर नफरत करते थे हमारे से, लेकिन प्यार मोहब्बत भी करते हैं। इतने इतने नहीं, कोई कोई अंदर अंदर होता है जो हिंदू को देखता है जलता है, भाई ये देखो कोई सही मकान नहीं बना सकते हम लोग पाकिस्तान में, सही मकान ही बना सकते हैं, जिसकी सपोर्ट होती है सरकार से वही बनवा सकता है, मैं तो बात यही दब के रहना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है, हमारी मदद करी जाए सरकार से, यही है हनुमानगढ़ जंक्शन। बस लकड़ी मांग के फिर खाना बना लेते हैं ना, गैस चूल्हा भी नहीं है हमारे पास, क्या करें। आप भी कोई काम वगैरह करते हो क्या? नहीं बस घर पे रहते हैं। घर पे रहते हो आप? बस सरकार को बोलते हैं हमारे बैठने की जगह दे दो, गैस चूल्हा दे दो बस। वो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी 5-6 हैं, मैं आंखों से मुताज हो गया, आंखों से देख नहीं सकते आप, आंखों से देख पहचान नहीं सकता, देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो अभी हम पाकिस्तान में थे, उधर राखी करते थे, खेती बाड़ी करते थे जमींदारों की, और हमारी भी जमीन नहीं थी, राखी करते थे जमींदारों की। हाँ। तो उधर हम फसल हो जाता था। हाँ। तो जमींदार भी कहते थे वो भाई ये तो हिंदू हैं। हाँ। हमको नहीं जानते थे वो भाई ये हिंदू काफर है, मैं चुन के। हाँ। वो हिंदू काफर बोलते थे क्या? हाँ काफर बोलते थे वो। उधर हमको बहुत डर था, हमारा दिल खुला नहीं था भाई जाके नलके से पानी हम पी लें, उनके नलके से उतना हमको डर था। पानी बुक से हमको कहते पानी पियो तो बुक से पियो, थले करके पियो, हम इसलिए हमारा इसलिए सर हमारा दिल हो गया भाई हमारा भारत है, हमारा देश है, उधर मर जाएंगे तो हमारा मालक है। यहाँ जिस घर में रह रहे हो आप, तो ये जो घर के रिश्तेदार हैं आपके, कितने दिनों के लिए उन्होंने बोला है कि आप इतने दिन तक यहाँ पे रह सकते ये हैं? छोड़ के कोई उधर उनका मर गया था दो एक आदमी, तो वो चले गए। जब पता आते हैं वो आते हैं क्या यहाँ पे? आते हैं इधर देखने के लिए मकान आते हैं। वो जदों भी आ जाए तो कहेंगे बाबा बाहर निकलो हमारा मकान छोड़ो, तो छोड़ना पड़ेगा हमको।
हमारा तो नहीं है इधर, ये आर्जी तौर पर बैठे हैं बस, इधर मरेंगे जिएंगे इधर रहेंगे बस। राम राम जी। जय श्री राम। हम पाकिस्तान से 9 परिवार आए हैं हनुमानगढ़ में, जंग संग हमारे को लगता है, और हमारे को 1.5 साल हो गया अपना दिल्ली में। उधर से ये कोई अपने रिश्तेदारी ऐसे परिवार हमारे को उधर से जंगल को, जंगल में थे हम, उधर से हमारे को लेके इधर आ गए। कृष्ण राम मेरा नाम है, कृष्ण राम। तो हम इधर आ गए, इधर हमारे को आज 3 महीने हैं, 3.5 हनुमानगढ़ के में 3 महीना हो गया। हाँ 3 महीने हैं। 3 महीने में हमारे को सरकार ने कोई सहूलत नहीं दिया है, हमारे को कोई हिंदू भाई ने कोई हमारे को मदद नहीं किया है, या हमारा कोई आधार कार्ड नहीं है। हम ये ऊपर से लॉकडाउन लग गया, थोड़ा घना कारोबार करते थे वो भी लॉकडाउन लग गया, उससे अब घर बैठे खाएं किधर से, ना कोई राशन ना पानी, हम जाएं किधर। सरकार को यही मेहरबानी है और हिंदू भाई को यही मेहरबानी है, हमारी कुछ मेहरबानी करो, धन्य धन्यवाद। पाकिस्तान में मतलब जी थारो घर खटसी है, कोई सो गांव है थारो? घोटकी सखर घोटकी मीरपुर तहसील था, घोटकी जिला है, घोटकी में हम रहते थे। तो बच्चे भी हम छोड़ के हम भारत में आए हैं। पाकिस्तान में मेरी 6 लड़की हैं, शादीशुदा हैं, और दोती भी हैं, पोती भी हैं। एक लड़का था कृष्ण राम का, वो भी मर गया, वो भी गया मालिक के भगवान के घर में, वो भी गया। आना हमारी मर्जी से आए हैं भाई, भारत में हम रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे, हम इधर रहेंगे, भारत में रहेंगे। अपना मतलब जहाँ पार्टीशन हो देश को भी टाइम, मतलब जी थारा जगह रिश्तेदार वगैरह थे भारत का भी यार, पाकिस्तान का भी यार थे, पाकिस्तान जी चले गया? हाँ थे रिश्तेदार थे, वो तो मर खप गए ना, वो तो मर खप गए। हम उधर चले गए थे, फिर उधर से फिर हमने बोला भाई चलो भारत में चले जाएंगे, तो बच्चे तो हमारे बच्चे तो भारत में होंगे, पर बच्चे भारत में होंगे तो लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में वो बच्चे भी उधर रह गए, पाकिस्तान में रह गए। तो पाकिस्तान में रह गए, हम भी जैसे मच्छी तड़फटी है ऐसे हम भी तड़फ रहे हैं भाई, हमारा लॉकडाउन जो खुल जाएगा, बॉर्डर खुल जाएगा, तो हमारे बच्चे भी इधर आ जाएंगे। भाई यही सोच विचार करके आए थे भाई, भारत में हम, हमारा भारत है, हमारा भारत में हम उधर खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे हम। बच्चे भी छोड़ के हम भारत में आ गए हैं खुश रहने के लिए। खेती बाड़ी करते थे तो खेती बाड़ी हो जाती है तो जमींदार भी नहीं देते हैं भाई चलो भागो, खर्चे में पूरा हो गया, वो भी नहीं देते हैं। बस यही जैसे बर्तनों की फेरी लगा के कपड़े अपड़े बेचने, या ये कोई तरबूज वरबूज आ गए वो लेके वो कुछ बेचना, ये काम हमने शुरू कर दिया। कोई हमारे को मजा नहीं आया भाई। जो अब ये मेरा भाई बड़ा है, ये आंखों से है मोहताज है, ये देख नहीं सकते क्या? ये नहीं देख सकता, ये आंखों से मोहताज है। ये डॉक्टर ने बोला है 30,000 इसका खर्चा, 30,000 आंख का लगेगा, 10,000 इसका खर्चा आ जाएगा। अब 40,000 किधर हम किधर से लेके आए? ऐसे नहीं है भाई बेटी है जा बेटी है जा वो बेटी है जा वो बेटी है, ऐसे मिलजुल के चलो बना लेंगे भाई। यही सरकार की मेहरबानी, हम तो यही बार बार हम ये तो यही बोलते हैं भाई, भारत सरकार हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करो। हम नहीं बता सकते भाई, हम जो हमारा दुख जो हमारी पीड़ उधर की है, हमारी जो पीड़ लेके उधर से इधर भारत में आए हैं, किस लिए आए हैं भाई? खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए। बच्चे भी छोड़ के हम आए हैं किस लिए भाई? हमारा भारत है, हमारा भारत है, जय माता की जय। भाई दिल्ली में क्या काम करते भाई? दिल्ली में यही काम करते थे भाई, कवर वबर ये या फोन का कवर वबर होता है, यही माड़ा मोटा गुजारा करते थे। तो उधर भी खड़े नहीं होने देते भाई, बोलते हैं भाई चलो इधर से आगे जाओ, पुलिस वाले आ जाते हैं भाई चलो इधर नहीं लगाओ आगे जाओ। पिछली बार लॉकडाउन लगा था तब आप दिल्ली में थे क्या? हाँ दिल्ली में थे। हमें उस टाइम में मतलब आपको खाना वगैरह दिल्ली सरकार ने उपलब्ध करवाया था? खाना वाना खाना भी देते थे, चावल भी देते थे, राशन पानी भी देते थे, महीना महीने के देते थे, राशन पानी भी देते थे। हमारे को पता लेने के लिए भी आते थे। जंगल में रहते थे क्या? हाँ जंगल। ये दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ पर रहते थे? ये अपना खजूरी है, खजूरी से आगे जो को नानक सर गुरुद्वारा, शनिश्चर ब्रिज जो बड़ा पुल है, शनिश्चर ब्रिज वाला,
मसान घाट और ये अपना नानकसर गुरुद्वारे उसके जो जंगल है उसमें जंगल में अब भी कैंप लगा हुआ है, अब भी कैंप लगा हुआ है उधर। उधर से फिर ये हमारा कोई रिश्तेदार को उधर को सामान वामान लेने के लिए आए, उससे कुछ रिश्ता हो गया तो हमने बोला भी बाबा जी हमारे को अपने हनुमानगढ़ में लेके चलो, उधर कुछ ना कुछ कारोबार करके तो रोड पेट तो भरेंगे। मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने आपको ऐसा बोला कि आप हनुमानगढ़ चलो? हनुमानगढ़ चलो, फिर उसके वो हमारे को लेके हमारे कागज कुगज हमारे लगवा के फिर उधर से इधर लेके आ गया। हम वो कागज जाके हमने अपना ये अपना थाने बड़े थाने में भी लगा दिए, कागज लगवा दिए हनुमानगढ़ जंक्शन में। हाँ हाँ, उधर भी कागज लगवा दिए, अपने बड़े थाने में भी लगवा दिए वो कागज लगवा के हम इधर बैठे हैं। अब ये जिले से हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं। मतलब थाने वालों ने ऐसा कहा है क्या आपको? थाने वालों ने ऐसे कहा भाई इस जिला छोड़ के पंजाब में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, इसी जिले में जाना। तो हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे हम? सरकार के ऑर्डर में हम होंगे, सरकार के ऑर्डर में होंगे। हम यही बोलते हैं भाई हमारा आधार कार्ड नहीं है, जो हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो किधर जाएगा। आप ये बताओ मुझे कि मतलब आपके अभी पाकिस्तान के अंदर आपके रिश्तेदारों में से कितने लोग हैं वहाँ पर? वहाँ पर तो बहुत है। नहीं, आपके बेटियाँ जो आप बता रहे थे वो कितनी हैं पाकिस्तान? छह लड़की हैं। शादी होगी सबकी? शादी उनकी है सारी, छों की शादी होगी? छों की, एक ही नहीं है, एक की शादी नहीं हुई। हाँ, एक कुंवारी है। तो वो किनके पास में रह रही हैं अभी? वो उसी के पास है, अपनी बहन के पास है, उसकी बहन के पास है। छह लड़के मेरी हैं, दो पोती हैं और एक कुंवारी लड़की वो भी है, और भाई के हैं तीन लड़की एक है और एक लड़का भी है, लड़के के तीन हैं, छह सात आदमी इसके भी हैं। तो क्या आप क्या चाहते हो, उनको यहाँ पे बुलाना चाहते हो? हाँ, बॉर्डर खुल जाएगा तब हम बुलाना चाहते हैं बस। तो मतलब आपके पास में जो पासवर्ड है, जैसे अभी आप पासवर्ड देख रहे हो, जैसे ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है? हाँ, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। तो आप पासपोर्ट ये बनवा के, हमने बनवा के पासपोर्ट बनाया है, ये इस्लामाबाद दिया है, इस्लामाबाद से फिर अपना वीजे पे आया है भाई, दो तीन महीने आगे। और ये पड़ोसी है, गांव वाले मदद कर रहे हैं, मदद, कितना गरीब आदमी हम भी, हम कहाँ से दे? ये बेचारे उनको आटा नहीं खाने को, कोई जगह नहीं बैठने की। हनुमानगढ़ के बारे में कुछ जाने भी कोनी नहीं? हाँ, जाने भी कोनी कुछ हनुमानगढ़ बारे में। और बेचारे जाए तो कहाँ जाए, इनको बेचारा लाचार, आंधा आंखों से आंधा हो, वखरा परेशानी है, यहाँ कोई संबंध है नहीं, कोई जगह नहीं, प्लाट नहीं इनका, कोई खाने पीने को बस्तियां नहीं है, सोने को बिस्तर भी नहीं है इनके पास, ऐसा हाल हो रहा है उनका। हम पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं। और इनके साथ में जो भी लोग आगे मदद करनी चाहे तो बाना बता दे वहाँ के हनुमानगढ़ के अंदर जंक्शन के अंदर सुरेशिया मोहल्ले के अंदर वार्ड नंबर 56 में ए लोग रह रहे हैं। और जो को गरीब परिवार पाकिस्तान हो अठा भारत आयो है तो आगे भी मदद हो जाए। तो लगातार इस वीडियो देखने खातर जलको हनुमानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब करो और नीचे घंटी को बटन है बिना भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो थाने मिल जावे। और ये वीडियो पर थारी की राय ही बाबा कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताओगा। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थानी।